दोस्तों आपने नदी या फिर समुद्र के ऊपर बने हुए ब्रिज तो देखे ही होंगे। आपने देखा होगा कि कई नदी पर तो ब्रिज सिर्फ पिलर के सहारे ही टिके रहते हैं। इन पिलर को देखकर कभी आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इतने गहरे पानी और बहाव के बीच इन पिलर को कैसे बनाया गया होगा, वो भी इतना सुरक्षित कि गाड़ी, बस या फिर ट्रेन इसके ऊपर से आसानी से निकल सकते हैं। दोस्तों अगर आपके भी मन में ये सब सवाल हैं तो आज की हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर नदी के बीच में पुल का निर्माण कैसे किया जाता है। जब भी किसी पुल का निर्माण करना होता है तो सबसे पहले उस जगह का जायजा किया जाता है, फिर उसी आधार पर पुल बनाए जाते हैं। वैसे नदी पर बनने वाले पुल कई तरीके के हो सकते हैं, जिसमें बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और आर्च ब्रिज शामिल हैं। ये पुल इतने मजबूत होते हैं कि लाखों टन का भार सहन कर लेते हैं। पुल बनाने में सबसे बड़ी चुनौती पुल का फाउंडेशन बनाना होता है, खासकर तब जब पानी बहुत ही गहरा होता है। पिलर वाले पुल बनाने के लिए पहले पानी की गहराई, पानी के बहने की स्पीड, पानी के नीचे की मिट्टी की क्वालिटी, ब्रिज बनाने पर पड़ने वाला भार और ब्रिज बनने के बाद गाड़ियों के भार आदि का गहरा रिसर्च किया जाता है और उसके बाद ही पुल बनाने का काम शुरू किया जाता है। तेज बहाव और गहरे पानी वाली नदियों के अंदर पिलर खड़ा करने के लिए कोफर डैम तकनीक का उपयोग किया जाता है। कोफर डैम एक तरीके से ड्रम के जैसा होता है, या फिर आपने मेलों में जो मौत का कुआं देखा होगा ये उसी तरह का होता है, जो स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स के जरिए बनाया जाता है, जो आकार में सर्कल या फिर स्क्वायर शेप का हो सकता है। उसके बाद कोफर डैम को क्रेन के माध्यम से जहाँ पर पिलर बनाना है वहाँ पर पानी के अंदर रख दिया जाता है। स्ट्रक्चर को पानी में डालने के बाद पंप के जरिए इसके अंदर का सारा पानी बाहर निकाल दिया जाता है। पूरा पानी निकल जाने के बाद इस कोफर डैम में नीचे की मिट्टी दिखाई देने लगती है। उसके बाद इस स्ट्रक्चर के अंदर पुल की नींव का निर्माण होता है, यानी कि पिलर का फाउंडेशन बनाया जाता है, जिसे कई सारे वर्कर साथ मिलकर बनाते हैं। नींव रखने के बाद इस फाउंडेशन को कंक्रीट और स्टील से फिल कर दिया जाता है। कंक्रीट से बनाए गए पुल बेहद ही मजबूत होते हैं। ये पुल पानी और हवा का तेज बहाव आसानी से सहन कर लेते हैं। इन पर आग लगने का भी कोई भी खतरा नहीं होता है। बता दें कि कोफर डैम एक वाटर रिटेनिंग वाल की तरह काम करता है। पिलर का फाउंडेशन बन जाने के बाद पिलर बनकर तैयार हो जाता है, तो फिर इस स्ट्रक्चर को क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है, जिसके बाद इस पिलर के ऊपर पुल का निर्माण किया जाता है। लेकिन ज्यादा गहरे पानी में कोफर डैम वाला तरीका काम नहीं करता है। जब समुद्र में बीम बनाना होता है तो सबसे पहले समुद्र की गहराई मापने के बाद उसके तल में एक ठोस जगह को ढूंढा जाता है, फिर बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए उस ठोस जगह पर गड्ढा किया जाता है। ठीक इसी तरह जिस तरह बोरवेल बनाया जाता है, खड्डा बन जाने के बाद उस गड्ढे के अंदर लोहे के मोटे मोटे पाइप डाल दिए जाते हैं और इस पाइप के अंदर से सारे पानी को निकाल दिया जाता है और खाली कर दिया जाता है। उसके बाद पाइप के अंदर कंक्रीट और सीमेंट के मिक्सचर को डाल दिया जाता है और पिलर तैयार किए जाते हैं। जैसे जैसे पिलर तैयार होते रहते हैं उसके साथ साथ उनके ऊपर रोड बनाने का काम भी शुरू कर दिया जाता है। पुल का आधा काम समुद्र के अंदर होता है तो आधा काम समुद्र के बाहर होता है। बड़े बड़े पिलर को आपस में जोड़ने वाले कंक्रीट और सीमेंट के ब्लॉक को बाहर कारखानों में तैयार किया जाता है, जिसे बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए बड़ी बड़ी शिप में डालकर समुद्र के अंदर ले जाया जाता है। उसके बाद उन्हें पिलर के ऊपर रखकर आपस में जोड़ दिया जाता है और एक पुल का निर्माण किया जाता है। वैसे कई बिना पिलर वाले पुल भी बनते हैं जिनका निर्माण अलग तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से गहरे पानी और तेज बहाव वाले पानी के अंदर पिलर बनाकर उसके ऊपर पुल का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारी यह वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें।